हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम यानी लघुगणक का गुणधर्म के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे पहले तो लॉगरिथमिक का कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वीडियो में हम आपको इन सारे प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करके बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है। तो पहला जो आप लोगों का लॉगरिथम में प्रॉपर्टीज है, लॉग एम इंटू एन, यानी कि अगर इन टू में रहे तो उसको हम क्या लिख देते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन। एक बार फिर से इसको समझिए कि अगर लॉग एम इंटू एन कहा जाए तो इसको हम क्या लिखते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन। दूसरा प्रॉपर्टीज है लॉग एम बाई एन, यानी भागा में रहे तो इसको हम क्या लिखते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी भागा में है तो उसको हम घटाव में बदल देते हैं। और log m के पावर n, अगर पावर में n है तो इस n को हम बाहर कर लेते हैं, यानी कि हम लिखते हैं log m के पावर n बराबर n log m, मतलब माथा पर जो पावर है वह गोर पकड़ लेता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पांच चार नंबर जो आप लोगों का प्रॉपर्टीज है log e, तो log e का मान 1 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। कैसे होता है यह भी हम आपको इसको प्रूफ करके भी बताने वाले हैं। ठीक है, ई टू दी पावर लॉग फंक्शन का क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होता है। और लॉग ऑफ बी, और बेस में अगर ए रहे तो इसको हम चेंज कर लेते हैं लॉग ऑफ बी और बटा में लॉग ऑफ ए। तो ये सात को प्रॉपर्टीज आप लोगों को लॉगरिथम में पढ़ना है, और इस सातों को हम एक एक कर आपको प्रूफ करके बताने वाले हैं। तो चलिए एक कर सारे को प्रूफ देखते हैं। प्रूफ को सीखने से पहले आपको बता दें, एक बात आप लोगों को समझना होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे बदलते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे बदलते हैं। तो स्पेशल अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, तो इसके लिए हमने आपको एक वीडियो भी बनाया है, उसमें आपको पूरा डिटेल्स में बताया है। इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं, बस सातों प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए कि ए के पावर अगर बी रहता है, देखिएगा ध्यान से, ए टू दी पावर अगर बी एक्स के बराबर है, ये एक्सपोनेंशियल चीज़ है, ए टू दी पावर बी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो इसको हम लॉगरिथमिक में कैसे लिखते हैं, तो याद रखिएगा लॉग ऑफ राइट साइड वाला यानी लॉग ऑफ एक्स, और जो बेस में रहे उसको बेस में ही लिखते हैं, और किसके बराबर करते हैं, तो माथा पर जो है उसके बराबर। इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि 2 के पावर 3 का मान क्या होता है, 8 होता है। सब लोगों को पता है ना कि 2 को आप 3 बार अगर लिखिएगा तो 8 आएगा। तो आप बताइए तो इसको हम लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ ये राइट साइड जो है उसको लिखिएगा, और जो भी बेस में यहाँ है ना वो भी आप बेस में लगाइएगा, और किसके बराबर आएगा, तो ये माथा पर वाला के बराबर यानी 3 के बराबर। अभी आपको थोड़ा सा समझ में ज़रूर आया होगा, अगला सवाल पर आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे इसको अगर हम लॉग में लिखना चाहें तो आपको तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 2 के पावर 4, बुआ से जानते हैं ना, 2 को अगर 4 बार लिख के गुना करके देखिएगा तो 16 आएगा। अगर हम इसको लॉग के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 16 ये वाला, और जो बेस में वो बेसे में लगाइएगा, किसके बराबर आएगा, तो 4 के बराबर ये वाला माथा के बराबर। क्या आप लोगों को लॉग के रूप में लिखने आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन को? तो 2 को और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये रहा सवाल। अब बताइए कि 5 के पावर 3 है, तो अगर 5 के 3 बार लिखेंगे तो 125 आएगा ना बुआ सा, 5 25 25 25 125। अगर इसको लॉग के रूप में लिखे तो कैसे लिखे, देखिए लॉग ऑफ 125, आप बेस में कितना लगाएंगे जल्दी से बताइए, तो कि बेस में कितना लगाएंगे, तो बेस में आपको बता दें कितना लगाएंगे, 5 लगाएंगे, किसके बराबर आएगा, तो यह 3 के बराबर है। अगर आप इस बात को समझ गए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए तो कि क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 36 यानी 36, और बेस में क्या लिखेंगे, 6, और किसके बराबर आएगा, ये बात आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड का समय, जल्दी से बताइए।
तो आपको बता दें कि इस क्या लिखेंगे, ये जो पावर माथा पर रहेगा वो लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या किया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे बदलते हैं ये बता दिया। लेकिन आपको उल्टा भी आना चाहिए कि अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे बदलते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में कैसे बदलते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम दो गो सवाल आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं कि लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू अगर 3 है तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको जो बताते हैं याद रखिएगा, जैसे लॉग लिखा हुआ है पहले आप बेस को पकड़िएगा, पहले किसको पकड़िएगा, बेस को। तो यहाँ पर बेस क्या है, 2 है तो लिखिए 2, बात समझ में रहे ना कि बेस 2 है तो 2 लिखिए। और जो राइट साइड रहेगा ना उसको आप माथा पर ले जाइएगा तो पावर 3, और किसके बराबर लिखेगा तो यहाँ जो रहेगा 8 के। अब आप देख लीजिए तो ये बात तो सही है ना, 2 के पावर 3 8 के बराबर होता ही है। अगर आप इस मेरा बात को समझ गए तो इधर आप लिख के बताइए क्या लिखेंगे। सोचिए पहले आप बेस को पकड़िए, तो बेस क्या है, 5 है तो लिखेगा 5, और राइट साइड जो रहेगा ना वैल्यू वो माथा पर आप लगा दीजिएगा, किसके बराबर आ जाएगा तो 125 के। तो ये मेरा समझाने का मतलब यही था कि लॉग को आप एक्सपोनेंशियल में लिखना आपको आना चाहिए और एक्सपोनेंशियल को लॉग के रूप में लिखने आना चाहिए, तब आप आसानी से प्रूफ को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम आप लोगों को प्रूफ एक एक कर समझाते हैं, बताते हैं। उससे पहले एक छोटा सा बात आपको बता दें कि नेचुरल लॉग के बारे में जान लीजिए कि लॉग एक्स लिखते हैं इसको या लॉग एक्स लिखते हैं या ln x लिखते हैं, लेकिन देखिए तीनों एक ही चीज है जिसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। बेस में ई रहता है या ई न भी लिख सकते हैं या ln x भी लिख सकते हैं, तीनों को बुआ हम क्या बोलते हैं, तो नेचुरल लॉग बोलते हैं। और याद रखिएगा बेस यहाँ पर कुछ न लिखा गया तो आपको समझना है कि बेस में ई है, जैसे यहाँ पर हम कभी भी बेस में कुछ नहीं ना लिखे इसके, तो आपको समझना है कि सबके बेस में क्या है तो ई है, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना ही है कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग। तो आप चाहे तो बेस में ई लिख सकते हैं या चाहे तो आप बेस में ई न भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहला जो हम लोगों का प्रूफ क्या करना है, फॉर्मूला को आप एक बार देख लीजिए, प्रॉपर्टीज को, कि लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना log m और log n, इसको आप मान लीजिए कुछ हो, तो log m को हम क्या माने हैं, गौर से देखिए, log m को ना हम मान लिए x और log n को मान लिए y, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि log m को हम क्या मान लिए, x, और log m log n को y मान लिए। अब आप याद कीजिए इसमें बेस में लिखा हो अथवा न लिखा हो आपको समझना है कि e है, तो अब आप सोचिए तो log ऑफ m टू द बेस ई इज इक्वल टू एक्स है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो गौर से देखिए, ये लॉग के रूप में अभी आपको यहाँ पर बताया गया था, तो क्या बोले थे कि पहले आपको बेस पकड़ना है और जो बराबर के बाद रहे वो माथा पर लगाइएगा और जो यहाँ रहेगा उसको बाद में लिखिएगा। तो उसी तरह से आप इसको पकड़िए, जो बेस क्या है तो ई लिखिएगा और बराबर के बाद जो माथा पर लिखेंगे और ये वाला इधर आएगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो इसी तरह से इधर बताइए, तो पहले आप क्या पकड़ेंगे, बेस को, तो बेस पकड़ लिए ई, पावर में ये वाला माथा पर आएगा और ये कहाँ चला जाएगा, बराबर के बाद। तो अगर आप इस बात को समझ गए तो एकदम फिर से हम बता दें आपको कि पहले आपको ये बेस पकड़ना है यानी e, तो e के पावर क्या रहेगा, x, और किसके बराबर आएगा, m के, मतलब इस लॉगारिथमिक फंक्शन को अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदले तो इतना लिखेंगे, उसी तरह से लॉगारिथमिक फंक्शन इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में बदले तो इतना लिखेंगे, कितना, e के पावर y, किसके बराबर, n के बराबर। अब आपको प्रूफ करना क्या है, इनटू में लाना है ना, तो अब आप क्या कीजिए इस दोनों पार्ट को ना गुना कर लीजिए, तो m इनटू n लिखिए, m का मान देख लीजिए कितना है e टू दी पावर x, n का मान देख लीजिए कितना है e टू दी पावर y। अब आप एगो फॉर्मूला याद कीजिए कि आधार समान रहता है बउआ सा तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो इस पावर को हम जोड़ सकते हैं क्या, इसको जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि आधार समान है तो पावर जोड़ देंगे। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए, ई एम एन आ गया बराबर ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, इसको हम एक लाइन बढ़ा लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं ऐसे, ई के पावर एक्स प्लस वाई बराबर किसके, एम इन टू एन के। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आप बताइए क्या हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगारिथमिक फंक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए लॉग ऑफ इतना, ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए कैसे हम लिखे थे, एक बार याद कीजिए कि 2 के पावर 3 बराबर अगर 8 होता है तो लॉग के रूप में इसको कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ ई वाला 8, और जो बेस में है वो बेसे में रहेगा किसके बराबर, माथा पर के बराबर। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए था ई के पावर एक्स प्लस वाई किसके बराबर आया, एम इन टू एन के। अगर हम इसको लॉगरिथमिक में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ राइट साइड यानी एम इन टू एन, और बेस में जो है वो बेसे में लिखेंगे और किसके बराबर आएगा, तो ये माथा पर वाला यानी एक्स प्लस वाई के।
एक क्या मेरा बात ये समझ में आप लोगों को, इसको अगर हम लॉगारिथमिक में लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ राइट साइड यानी एम इन टू एन, और किसके बराबर, बेस में जो है वो बेसे में रहेगा और माथा पर जो रहेगा ना वो बराबर के बाद आ जाएगा। तो अब इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं आराम से, लॉग ऑफ एम इन टू एन और बेस में आप ई लिखिए चाहे ना लिखिए, और ये एक्स है, एक्स किसको माने थे देखिए तो लॉग एम को, तो इस एक्स के चलते लिखते हैं लॉग एम, और ये वाई है और वाई किसको माने थे तो लॉग एन को, बेस में आप ई लिख भी सकते हैं और बेस में ई न भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे तो आप लोगों को ये बात मेरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज की ओर, सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टीज देख लीजिए, आपको क्या प्रूफ करना है, लॉग एम बाई एन, ठीक है, लॉग एम बाई एन। तो देखिए लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये तो भागा में था तो माइनस में आ गया। तो प्रूफ करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को ना हम एक्स मान लेंगे, यानी लॉग एम को एक्स मान लिए, लॉग एन को क्या माने, वाई माने। अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि इस लॉगारिथमिक को एक्सपोनेंशियल में बदलने का प्रयास कीजिए। तो देखिए जो बेस रहेगा ना बउआ, सब पहले बेस को पकड़ लीजिए, तो बेस ई था और जो बराबर के बाद है ना उसको आप माथा पर लिख लीजिएगा, और ये जो है बराबर के बाद चला, फिर से बताते हैं, ई जो बेस रहा है उसको आप पकड़ लीजिए पहले, तो ई के पावर पहले एक्स लिखेंगे, किसके बराबर आ जाएगा, एम के। अगर इस बात को समझ गए तो इसी तरह से फिर से बताते हैं, पहले आप बेस को पकड़िए, तो बेस आपका ई है और पावर में ये वाला लिखिएगा वाई, और किसके बराबर आएगा, एन के बराबर, ठीक है। तो इस लॉगारिथमिक फंक्शन को हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदल लिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, बटा में लाना है ना, तो आप इसको भाग दे दीजिएगा, एम में एन से भाग दीजिएगा। भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको एम बाई एन प्रूफ करना है, तो एम बाई एन बराबर क्या लिखिए, एम का ये वाला लिख दीजिए e के पावर x, और n का मान ये वाला लिख दीजिए e के पावर y। अब आप याद कीजिए इसका आधार तो समान है लेकिन बटा में है, तो आप याद कीजिए आधार समान भागा में रहता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है, तो इसलिए x में से y घटा दिए, x माइनस वाई। बात समझ में आया कि m बाई n बराबर कितना लिखे, e के पावर x माइनस वाई। इसी बात को हम एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, e के पावर x माइनस वाई किसके बराबर, m बाई n के बराबर। अब आपको इसको, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फिर से लॉग में लिखना है, तो जैसे ही e के पावर, एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि इसको कैसे लिखे थे, देखिए तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिखते हैं, 2 के पावर 3 8 के बराबर था, तो कैसे लिखते हैं लॉग के रूप में, लॉग ऑफ राइट साइड, बेस में जो है वो बेसे में रहेगा और माथा पर वाला जो है बाहर आएगा। तो अब आप यहाँ पर देख के बताइए तो कि लॉग ऑफ इतना लिखेंगे पहले, तो लॉग ऑफ एम बाई एन, और जो बेस में वो बेसे में रहेगा और किसके बराबर आएगा, तो माथा पर यानी कि एक्स माइनस वाई के बराबर। क्या आप मेरा बात समझ में आया आप लोगों को, फिर से एक बार बताते हैं, इसको अगर लॉग के रूप में बदलिएगा ना, तो लॉग ऑफ पहले राइट साइड लिख दीजिएगा, और जो बेस में वो बेसे में रहेगा, किसके बराबर आएगा, तो जो भी माथा पर रहे यानी एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई के बराबर आया। और ये लॉग एम बाई एन छोड़ दीजिए, बेस में ई लिखिए अथवा नहीं लिखिए। और आप बताइए ये एक्स है और एक्स किसको माने थे, देख लीजिए एक्स किसको माने थे, लॉग एम को, तो इसके चलते लॉग एम, और वाई किसको माने थे, तो लॉग एन को, तो यहाँ लॉग एन। और यही आपको तो प्रूफ करना था, तो उम्मीद है आपको ये दूसरा प्रॉपर्टीज में समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। और इसी दो प्रॉपर्टीज से हम सारे प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज पर आते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने तीसरा नंबर कि लॉग एम के पावर अगर एन होता है तो क्या लिखते हैं, इस माथा पर वाला को गोर पकड़ा देते हैं ना, एन बाहर आ जाता है तो एन लॉग एम लिखते हैं। अभी कैसे लिखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, तो इसको आप एलएचएस से प्रूफ कर सकते हैं। तो एलएचएस क्या है, लॉग एम के पावर एन, ठीक है बुआ सर। तो लॉग एम के पावर एन का आप मतलब समझते हैं क्या, आप याद कीजिए तो एक्स के पावर 3 का क्या मतलब होता है, एक्स को 3 बार लिखना, याद आया। अगर एक्स के पावर 4 का क्या मतलब होता है, x को 4 बार गुना करके लिखना, इस तरह से। तो उसी तरह से सोचिए m के पावर n है, इसका क्या मतलब कि सोचिए अगर पावर 3 है तो 3 बार, अगर पावर 4 है तो 4 बार, अगर ये इस पर मान लीजिए n रहता तो x को कई बार लिखते, x को हम कई बार लिखते, n बार लिखते। उसी तरह से सोचिए कि m के पावर n है, इसका मतलब m कितना बार है, n बार, तो लिखे m गुना m गुना m गुना 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 डॉट 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 कई बार, n टाइम्स कहने का मतलब m n बार, ठीक है। तो n बार लिख दिए। अब आप हमको बताइए, अभी हम आपको एक प्रॉपर्टीज प्रूफ किए थे ये वाला कि log m इन टू में रहे तो उसको क्या लिखते हैं, log m प्लस log n लिखते हैं। बउआ से एक बार फिर से देख लो, गुना में रहे तो उसको क्या बदल देते हैं, log m प्लस log n। तो क्या बताइए, दो को गुना में है तो इसको दो बार प्लस में लिखेंगे, और एक और यहाँ पर गुना में अगर मान लीजिए p आता तो फिर प्लस में एगो पिया जाता। तो उसी तरह से सोचिए, यहाँ पर इनटू में सब है कई बार, तो एन बार, तो इसको क्या लिखेंगे, पहला लॉग एम, फिर प्लस में लॉग एम, फिर ई प्लस लॉग एम, और ऐसा कई बार जाएगा, एन बार जाएगा, तो इसीलिए लिखें एन टाइम्स।
अब आप हमको ये वो बात बताइए कि 2 + 2 + 2 कई बार, 3 बार है तो इसको आप लिखते हैं ना 2 × 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2, क्योंकि 3 बार है तो। और यही अगर 2 बउआ से ऐसे रहता है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कई बार, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके लिख सकते थे 5 × 2, क्योंकि 2 5 बार है तो 5 × 2। अब आप बताइए log m + log m + log m कई बार, n बार, तो क्या आप इसको नहीं लिख सकते हैं n × log m डायरेक्ट, क्योंकि मान लीजिए 1, 2, 3, 4 बार रहता तो 4 × इतना, 5 बार रहता तो 5 × इतना, और अगर n बार है तो n × इतना। क्या आप मेरा बात समझ में आया आप लोगों को? तो इसीलिए हम क्या लिखे, log m + log m + log n कई बार था, n बार था, इसलिए हम n × log m लिख दिए। अब यही तो आपको प्रूव करना था, जो RHS यानी कि log m के पावर n, तो क्या लिखते हैं इस माथा पर वाला को बाहर कर लेते हैं, और यही आप लोगों का नया प्रॉपर्टीज बनता है, log m के पावर n बराबर n log m। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने आपको अभी जस्ट 3 को प्रॉपर्टीज़ बताया, चलिए तो अब हम लोग 4th, 5th, 6th और 7th को देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जो 4th नंबर, तो आप बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि log e का वैल्यू 1 होता है तो कैसे होता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले एक बात याद कीजिए कि e के पावर 1 अगर हो तो कितना लिखते हैं उसको, e ही लिखेंगे ना। सोचिए, e को अगर हम कहें 1 बार लिखिए बउआ सा, तो e लिखिएगा, e को अगर 1 बार लिखने के लिए कहें तो e लिखिएगा ना। जैसे अगर हम आपसे पूछते 2 के पावर 1, तो 2 ये लिखते हैं ना, उसी तरह से e के पावर 1, तो e लिखिएगा। अगर हम इसको log के रूप में बदलने का प्रयास करवाए आपको, तो बताइए तो कैसे बदलेंगे। अभी हम आपको बताए थे, यहाँ पर याद कीजिए कि 2 के पावर अगर 3 है और 8 के बराबर है, तो इसको log के रूप में कैसे लिखते हैं, log ऑफ राइट साइड, राइट साइड 8 है और बेस में जो रहता है वो लिखते हैं, और किसके बराबर, जो माथा पर रहता है उसके बराबर। तो देखिए, e के पावर 1 किसके बराबर है, e के बराबर है, तो इसकी इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ ये वाला e, और बेस में जो है वो बेसे में रहेगा, और किसके बराबर आएगा, तो माथा पर वाला बराबर के, यानी 1 के बराबर। अब आप बताइए, इस बेस वाला को आप लिखिए चाहे न लिखिए, यानी आपका आंसर आएगा log e बराबर 1। क्या आप इस प्रूफ को समझ गए? अगर आप इस प्रूफ को समझ गए, तो एगो इसको और इसी टाइप से हम प्रूफ करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए 10 के पावर 0 का वैल्यू आप जानते हैं क्या, या 10 के पावर 1 का वैल्यू जानते हैं, 10 होगा, इसको अगर log के रूप में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 10, आप बेस में 10 किसके बराबर, 1, ये 1 है, ठीक है, तो 1 के बराबर। ऐसे आप ये बात भी आप लोग पढ़े होंगे कभी कि log 10 अगर बेस में भी 10 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि log e का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और कैसे होता है यह भी आप समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न को देखते हैं, इस प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि log 1 का मान 0 कैसे होता है। तो आप याद कीजिए, e के पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ये तो आप लोग को याद है ना कि कोई भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो यहाँ e के पावर 0 तो 1 होगा ना। अगर हम इसको लॉगरिथमिक में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ राइट साइड यानी 1, और जो बेस में है वो बेसे में रहेगा, और किसके बराबर, तो माथा पर वाला यानी कि 0 के बराबर। एक बार फिर से, e के पावर 0 बराबर 1 होता है, ये आप जानते हैं कि e के पावर कोई भी संख्या के पावर 0 है तो 1 होगा। इसको log के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ राइट साइड यानी 1, जो बेस में रहता है उसको बेसे में लिखते हैं, और बराबर के बाद 0। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं log 1 का मान 0। आप बेस में e लिख भी सकते हैं, न भी लिख सकते हैं, अगर छोड़ देते हैं तो बेस में ही छुपा रहता है e। तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी ज़रूर याद रख लीजिएगा कि log e का मान 1, log 1 का मान 0। चलिए तो अब हम लोग 6th और 7th को, 6th नंबर प्रॉपर्टीज को देखते हैं। आपको क्या प्रूफ करना है, e टू दी पावर log एफ एक्स किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, e वाला भाई जू को ना आप कुछ मान लीजिए, और कुछ मानने से अच्छा है कि y मान लिए, तो e के पावर log एफ एक्स को हम क्या मान लिए, y मान लिए। अब आप देखिए, e है और ये लॉगरिथमिक है और ये y है, तो समझिए e के पावर ही समथिंग है, जैसे इस तरह से e के पावर मान लीजिए ई एक्स है और ये y के बराबर है। अब आप याद कीजिए, तो इसको log के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखते हैं ना, log ऑफ राइट साइड यानी y, और जो बेस में वो बेसे में रहेगा, किसके बराबर आएगा, ये माथा पर वाला के बराबर, x के बराबर। ये बात आप अपना समझ रहे हैं ना। उसी तरह से इसको अगर आप log के रूप में हम लिखने के लिए बात करें तो क्या लिखेगा, log ऑफ राइट साइड, अब बेस में जो है वो बेसे रहेगा, और किसके बराबर, तो ये पूरा माथा पर के बराबर, यानी log एफ एक्स के बराबर। क्या आप मेरा बात समझ में, आप लोगों को फिर से बता दें आपको, log ऑफ ये राइट साइड,
जो बेस में है वो बेसे में रहेगा, जो माथा पर रहेगा वो बाहर आ जाएगा। अब आप बताइए दोनों तरफ लॉक से लॉक काट सकते हैं, काटिएगा नहीं, मतलब समझिएगा कि लॉक से लॉक कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा वाई और इधर क्या है एफ एक्स है, तो वाई किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर। याद रखिएगा ये जो बेस में छुपा हुआ है क्या ई है, ठीक है। तो यहाँ पर ई लिख भी सकते हैं और न भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से लॉक से लॉक कट जाएगा, तो वाई किसके बराबर आया, एफ एक्स के बराबर। और आप बताइए वाई किसको आप माने थे, तो वाई तो आप इसको माने थे ना, इस पूरे पार्ट को, तो ई के पावर लॉग एफ एक्स को माने थे, बराबर एफ एक्स रहेगा ही रहेगा। और यही आपको प्रॉपर्टीज प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि e के पावर log और उसके साथ अगर फंक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन लिखते हैं। आप कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखिएगा e और log रहे तो e कट के बर्बाद हो जाएगा और सिर्फ एफ एक्स आबाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टीज नंबर 6 को प्रूफ कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो लास्ट आप लोगों का प्रॉपर्टीज ये रहा आप लोगों के सामने, आपको प्रूफ करना है log ऑफ b टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी, और बेस में नया चीज आया है ई और बट्टा में लॉग ऑफ ए, ठीक है। तो इसको आपको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, ये दोनों भाईजू को ना कुछो कुछ मान लीजिए, और कुछ कुछ मानने से अच्छा है कि हम क्या मान लिए हैं, लॉग ऑफ बी को वाई मान लिए हैं और लॉग ऑफ ए को क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए। एक बार फिर से आपको बता दें कि हमने क्या किया कि log ऑफ b को y माना और log ऑफ a को x माना। तो थोड़ा सा आप याद कीजिए, इस लॉगारिथमिक फंक्शन को आपको एक्सपोनेंशियल में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि पहले आप बेस को पकड़िए, तो बेस ई वाला है ना, बेस ई वाला ई पकड़ लिए और बराबर के बाद जो है वो माथा पर लिख दीजिए और ई वाला बराबर के बाद आ जाएगा, यानी ई टू द पावर वाई बराबर बी। इसको अगर आप फिर से लॉग में लिखिएगा तो ऐसा नहीं लिख सकते, लॉग ऑफ बी बेस ई किसके बराबर, वाई के बराबर, तो ये आ जाएगा। तो हमने लॉगारिथमिक फंक्शन को किस में लिखा, एक्सपोनेंशियल में। उसी तरह से इसको आप लिख के देखिए, था लॉग क्या लिखिएगा, पहले तो बेस पकड़िए, तो बेस ई है, पावर में ये वाला आएगा e के पावर x किसके बराबर, a के बराबर। ये को थोड़ा सा आपको बात याद दिला दे, याद कीजिए कि x स्क्वायर बराबर y रहता है, तो आप याद कीजिए स्क्वायर हटाते हैं तो याद है क्या, रूट चढ़ाते हैं, और आप याद कीजिए रूट के चलते हम क्या लिखते हैं, 1/2। क्या आप मेरा बात याद आया आप लोगों को, कि स्क्वायर हटाते हैं तो बुआ सर रूट चढ़ाते हैं और रूट के चलते 1/2 लिखते हैं ना, ये इसका मतलब डायरेक्ट इस लाइन को खा जाइए और इस लाइन को समझिए कि इधर 2 था तो इधर आके क्या होता है, 1/2, मतलब इधर 2 जो है इधर आके उलट जाता है। तो अब बताइए इसके पावर क्या है, x है, तो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, उलट जाएगा, यानी 1/x हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ e के पावर y रहता, अगर इसको हम इधर ले जाते तो क्या हो जाता, 1/y हो जाता। जैसे यहाँ 2 था तो 1/2 हो गया ना, उसी तरह से x जो था इधर आके 1/x हो गया। तो ये अब क्या आप मेरा बात समझ में आए, e के e बराबर कितना लिखे, a के पावर 1/x। अब आप क्या कीजिए, e का मान जो यहाँ से निकाले हैं ना, इस मान को ना इस समीकरण में रख दीजिए। देखिए e के मान बताइए, e का मान यहाँ से निकाल के लाए कितना, a के पावर 1/x, तो लिखिए a के पावर 1/x और e वाला भाई जो y रहेगा और ये b बेचारा जस के 10। एक बार फिर से इस e का मान यहाँ से बैठा दिए, a के पावर 1/x और ये पावर में y बराबर b। अब आप इसको गुना कर लीजिए पावर में, तो y में 1 से तो y बटा x रहेगा बराबर b। अब इसको लॉगारिथमिक फंक्शन में बदलिए, तो लॉगारिथमिक फंक्शन तो बदलना बढ़िया आसान है, log ऑफ ये वाला लिखिएगा बराबर के बाद और जो बेस में है वही लिखिएगा और किसके बराबर आएगा, तो ये माथा पर के। फिर से log ऑफ इतना b और जो बेस में है वही रहेगा बउआ, अब बराबर किसके आएगा, वाई बाई एक्स के। तो सोचिए log ऑफ b और बेस में a तो जस के तस, और ये क्या है y है, और देख लीजिए y किसको माने थे, तो log ऑफ b को, और बटा में x है तो x किसको माने थे, log ऑफ a को, और बेस में तो आप जानते हैं छुप्पल है क्या e, आप लिखिए अथवा न लिखिए। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रूफ समझ में आया होगा, हो सकता है थोड़ा मोरा अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप इस पूरे प्रॉपर्टीज को अब एक बार पहले वीडियो अगर आप देख लिए हैं तो खुद से प्रूफ करने का प्रयास कीजिए, और जहां पर फंसते हैं वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको प्रूफ हमेशा के लिए याद रह सके। तो अंत में हम आप लोगों को एक छोटा सा प्रश्न बताते हैं और उस पर एक प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ये आप लोग के सवाल है, ई के पावर 2 log x है, इसका वैल्यू क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, बस लॉगारिथमिक का प्रॉपर्टीज लगाना। तो देखिए e के पावर 2 log x है, तो आपको एक फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे, log m के पावर n, बउआ क्या होता है, ये जो माथा पर आता है वो गोर पकड़ लेता है, आई से लिखे हैं। तो सोचिए जो माथा पर आता है वो गोर पकड़ लेता है, तो क्या गोर पकड़ लेता है माथा पर भी जा सकता है, ई वाला अगर इतना बराबर इतना होता है तो इतना बराबर इतना भी तो लिख सकते हैं ना बउआ। तो सोचो ये 2 जो बाहर है क्या माथा पर छरपा दे ऐसे, e के पावर log x स्क्वायर,
बात समझ में आया मेरा कि हमने क्या किया, इस वाले को माथा पर छरपा दिया, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ई और लॉग तो बर्बाद हो जाता है। अभी हम आपको एक प्रॉपर्टीज बताए थे ना, ई के पावर लॉग फंक्शन, तो ई और लॉग बर्बाद होकर सिर्फ फंक्शन बचता है, तो ई कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। यानी कि आपका आंसर आना चाहिए था पहला नंबर ऑप्शन ए। अगर इस प्रश्न को आप समझ गए हैं तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा। तो हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं, यहाँ पर 1/2 है तो आप माथा पर चढ़ा लीजिएगा इसको, तो 1/2 यानी x के पावर 1/2 आएगा। अब आपको बस बताना है कि x के पावर 1/2 को हम क्या लिखते हैं इस चारों ऑप्शन में से। तो आप इस चारों ऑप्शन में से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सही है। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।